हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रेशमा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी बात को बुरा तो नहीं मानोगी? अगर बुरा मानने वाली होगी बात तो मैं अवश्य मान जाऊंगी, अगर बुरा मानने वाली नहीं बात होगी तो भला क्यों बुरा मानूंगी। नहीं नहीं रेशमा, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे जीवन के विषय में ही बताऊंगा। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं कालेज से मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक चला आया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? रेशमा जी, मेरी बात सुनो। और तेरा रूप प्यारी रेशमा छिया, और तेरा रूप प्यारी हूँ जब से निहारा। रेशमा मेरा दिल छीन लिया है मेरी जान। जुबान को लगाम देकर बात करो वरना इतनी जूती मारूंगी तुम्हारा सर गंजा हो जाएगा कमीने कहीं। सच तुम्हारी मोहब्बत में जूती प्यार की होगी मेरी जान, मारो। ओ प्यार की? सच यानी आप सोचते हैं अपने दिल के अंदर मैं आपसे प्यार करती हूँ? ये हुस्न और जवानी क्या करोगी मेरी जान, इसीलिए चार दिन की जवानी है फिर ढल जाएगी, कोई इसका तलबगार नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? हाँ रेशमा, तुम्हें देख करके हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सुनो छिया रेशमा, और जो बनी नए ना और गुमान करो मेरी जान, और जो बनी नए ना आए गुमान करो एक दिन ये पुराना
रेशमा, एक ना एक दिन तुम्हें साजन की सेठ पर जाना होगा, उससे पहले हमारी बाहों में आ जाओ मेरी जान। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने कुत्ते। होगा, आज होगा मेरी जान। आज देखता हूं ठाकुर दिग्विजय सिंह के पंजे से कौन बचाता है। यहाँ पे तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मेरी मदद के लिए मेरा खुदा आएगा। खुदा? अरे ठाकुर दिग्विजय सिंह आज तुझे पागल कुत्ते की तरह नोच नोच करके खाएगा। आ मेरी जान, बचाओ बचाओ। दिग्विजय सिंह तो बदल गई दुनिया मगर, और बदला ना इंसान। अरे इंसान की तू नजर में दिखे मुझे शर्म। जान बचा कर भाग जा, और ये लड़के नादान, और दो पल में वो ना तुझे और मिलेगी अब संसार। कहावत सुनी थी कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, मगर आज भी लिया। दिखाई देता हूं। जानना चाहता है मैं कौन हूं? जी हाँ। तो नाम मेरा रुण, आज सुन बेहाया रे नाम मेरा। सुन बेहाया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ का हुआ, सीधे साधे यहाँ से और तुम जाओ निकल जेल की, वरना तुझको खिलाओ। अरुण, आपके कहने का मतलब मैं भाग जाऊं? नहीं तो भाग जा, वो अरुण भी ठीक है, वो अंजाम जिसका बुरा पाएगा, साथ देगा यहां तेरा कोई नहीं, आज बेमौत तुम्हारा यहाँ। अगर चाहता रखा जिंदगी की, अगर चाहता भाग जाओ यहाँ से ये दर छोड़ के, वरना पहुंचाऊं तुझको और मैं परलोक में रख दूं सब तेरी हड्डिया। चला जा रहा हूँ चला, ध्यान रखना अरुण जिस थारी को, जिस घड़ी लूटूंगा अरे इसकी मैं आबरू, उस समय तू अरुण ना सकेगा। हुआ बाबू जी वाह, ये आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। अगर आप इस मौके पर नहीं आ जाते तो हो सकता है इस जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। बाबूजी, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। कहीं तुम शहबाज की बहन तो नहीं? जी हाँ। रेशमा? जी हाँ, मेरा ही नाम रेशमा है। खैर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी बात क्यों, और आप मेरे साथी में, आप मेरे साथी में एहसान किया भारी गे, आप मेरे साथ में एहसान किया भारी गे, और आप हैं देवता, आप हैं देवता रेशमा बनी पुजारी है। रेशमा छिया, किसे इंसान को इस तरीके से देवता का
ओहदा देना अच्छी बात नहीं होती। खैर, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? कहना मैं चाहती हूँ, ऐसा ना हो कहीं कि आप नाराज हो जाएं। बेशक, अगर नाराज होने के काबिल बात होगी तो बोलो। क्या बात है? मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। नज़्मा, शायद तुम जानती नहीं, तुमने जो अल्फाज कह दिया प्यार का, प्यार कोई खिलौना नहीं जो उसे खेल लिया जाए। शायद तुम जानती नहीं कि तुम एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती हो और मैं एक हिंदू बिरादरी से। हमारा तुम्हारा तेल माल नहीं हो सकता, इसलिए प्यार मैं तुमसे हरगिज हरगिज नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरीके से तुम्हें समझा रही हूं, अगर प्यार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, वरना सोच लो मुझे जबरदस्ती करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। रश्मा, मैं जो कहता हूं मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर यह प्यार यह जमाना स्वीकार करेगा? हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार। ओह, यानी हिंदू मुस्लिम की बीच में आपने दीवार लाके खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आप प्यार मुझसे करें या ना करें, लेकिन आपने सवाल जो कहा ठीक है, लेकिन एक बात ये बोलो, ये जो ठंडा ठंडा पानी ऊपर से बरसता है, वो ठंडी ठंडी नदियाँ जो हमेशा कितना सुंदर पानी बहता रहता है हर एक इंसान को, वो ठंडी ठंडी हवाएं हर एक इंसान को दिल की प्यास बुझाती हैं, वो हवाएं जो ठंडक पहुंचाती हैं, वो नहीं पूछती तुम किस बिरादरी के हो, आप कौन है हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी करने वाले। तुम्हें इतना ज्ञान है, अगर तुम जैसी लड़कियां इस समाज में पैदा हो जाए तो वाकई हिंदू मुस्लिम की दीवार हट जाए। रेशमा, मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था, लेकिन कभी प्यार का इजहार नहीं कर सका। रेशमा, मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था, सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें भी बचपन से तुम पर लुटाता था जान। सच, मैं भी बचपन से तुम पर लुटाता था जान, आके सीने से लग जा हाय मेरी दिल रुबा। आके तो कर दिया तूने जब प्यार का इजहार है, क्या कर दिया तूने जब प्यार का इजहार है, जिंदगी संग में तेरे बीतेगी इकरार है। हाय मिल गया अब मुझे, हाय मिल गया अब मुझे जिंदगी का मजा। लेकिन रेशमा, जब मैं पुलिस के ट्रेनिंग के लिए निकला था तो मुझे रातों में सपने आया करते थे, और इन सपनों में एक लड़की दिखाई देती थी, शायद तुम वो तो नहीं। लेकिन मैं, यानी मुझसे पहले कहीं दूसरी जगह? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता, सुनो मेरी बात को। कहिए। और जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं आए।
समझा तुम्हारी ही पायल बची हो जिसकी पायल पे हो जिसकी पायल पे हूँ दिल लुटाते रहे जा लुटाते रहे ये बता राम दयाल थाने में सभी कर्मचारी मौजूद हैं सब मौजूद हैं ठीक है लेकिन इंस्पेक्टर जेवा का आज पहला दिन थाने के अंदर है आने वाले हैं जी हाँ ठीक से ड्यूटी करना यही हमारा तुमसे कहना है ठीक है बुलवाया किसी वास्ते हमको यूं सरकार बुलवाया किसी इंस्पेक्टर का बुलाने का मकसद कोई ना कोई कारण जरूर होगा जी हमें बुलाने का मकसद हमें जरूर बताएगा सर लेकिन बताने से पहले जी सर जब तक हमारा होनहार इंस्पेक्टर जी सर अरुण थाने के अंदर नहीं आ जाता तब तक हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते सर आपने अभी डाकुओं के विषय में कुछ बातचीत किया जी हाँ सर चौकीदार आगे बढ़ो बोलिए सर आप यहाँ के कौन हो साहब हम यहाँ के हैं सकरू चौकीदार उर्फ पसिया सर सकरू चौकीदार जी सर उर्फ पसिया सर कितने साल से आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो साहब हमें ड्यूटी करते करते हो गए साहब ओन खोन साहब 14 साल बदतमीज के हरकत से बात नहीं आते ये थाना है कोई का पैसा नहीं का है साहब का है साहब ये थाना यू साहब थाना बना है जी साहब हम जाने है ये साहब का ढेर चौबारी बनी है साहब उल्लू के पट्टे थाने की झार पोस होगी लकड़ी जाओ ड्यूटी करो कैसे क्या सर सर हमें बुलाने का मकसद अभी अभी आपने कहा कि डाकुओं के विषय में कुछ बताया डाकू ज्वाला सिंह इस इलाके में बहुत कोहराम मचाया हुआ है डाकुओं के विषय में आप हमसे बातचीत किया इससे पहले हमसे पहले या इस थाना कोतवाली महमूदाबाद कौन सा सिपाही था इंस्पेक्टर देवा जी खैर यहाँ का इस थाने का जी जो भी इंचार्ज हो लेकिन इतना वो होशियार और बागी इंसान है जो आज तक हमारे हाथों नहीं लगा अच्छा इसलिए हमने तुम्हें बुलवा करके उसे गिरफ्तार करवाने के लिए सोचा है सर और अगर जो रैयत पे हमेशा जोरो जुल्म मचा रहे Okay.
इस इलाके में डाकुओं की इस तरीके से अगर हमारे थाने के अंदर क्या हमारे महमूदाबाद क्षेत्र में अगर डाकुओं का कोहराम मचेगा तो हमारी कोतवाली की बेइज्जती, हमारे पूरे स्टाफ की बेइज्जती। बिल्कुल सही फरमाया। हुआ ना गिरफ्तार जो डाकू, शर्म ते सर ये झुका रहेगा, जिले में कोहराम जाएगा मची, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। सर आपने अभी कहा कि इस डाकुओं को कैद करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो बहुत होशियार डाकू हैं। चलो हम फाइल 6 नंबर आज फाइल देखते हैं, उस फाइल में कौन कौन से डाकू किस इलाके में कहां पे रहते हैं। आइए। लेकिन साहब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं डाकुओं के बारे में। सर हम डाकुओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं साहब। यानी डाकुओं के विषय में हमसे बताना चाहते हो। जी सर। किस इलाके में डाकू रहते हैं। जी सर। किस तरीके से किस रास्ते पे आते हैं और किस रास्ते से हो जाते हैं। जी सर। बोलो क्या कहना चाहते हैं। सुनो बात साहब, तो डाकू जोला तेल का मचाए हुए हुई जति पुलिस भारत की खुआरी, आपसे निवेदन हो करता मैं सर है, चम्मल चलिए ना देरी करिए। शायद आपको मालूम हो चाहिए जो डाकू ज्वाला है शायद वो चम्मल घाटी में तहलका मजा रखा सर। यानी पुलिस की गाड़ी सुन देखते देखते डाकू ज्वाला सिंह वहां से गेट आउट हो जाता है। जी सर। आज हम ऐसे जाल बिछाएंगे उसके रास्ते पर। जी सर। डाकू ज्वाला क्या उसके जितने ही आदमी है उनको सालों को मारते मारते थाना कोतवाली को मैं घसते हुए लेकर के आएगी जेवा इंस्पेक्टर। आपको कहना और हमारा बजाना काम सर। लेकिन साहब सामने से देखिए है बड़े साहब की गाड़ी आ रही है साहब। साहब है गुड मॉर्निंग। क्या बोला था? है गुड मॉर्निंग। हराम जादे साहब, तुझे ये भी नहीं मालूम कि गुड मॉर्निंग कहा जाता है या गुड मॉर्निंग? साहब है जौन ये लोग कहे ने वही हम हूँ साहब। अगले जन्म में कुम्हार था रे जो मोहंगड़ मोहंगड़िया बनाता था तू? है नहीं साहब। है साहब तो कहे और का कही साहब। गलतियां मत किया करो। नहीं चौकीदार जी सर। साहब गलती ही गई साहब। तलाश साहब पांचवीली साहब। साहब पांचवीली है। तूने? हाँ साहब। तूने मेरे पैर छुए? जी सर। आराम जादे तूने कहाँ हाथ लगाना था कहाँ हाथ लगा दिया कमीना? हाय ददुआ, अरे देखे भैया, अरे हाय ददुआ देखियो, अरे छुए के रहा है पाए और दाढ़ी में हाथ लगा दिया। चौकीदार मर जा। साले कहाँ मेरे पैर और कहाँ तूने हाथ लगा दिया? ए साहब गलती ही गई साहब। ला फिर से साहब छीली और का। ए बोले सर। एक बात गौर से सुनो चौकीदार। जी सर। मैं थाने में नया जरूर आया हूँ लेकिन हकीकत मुझे पूरी मालूम है। जी साहब बोलो। इससे पहले यहाँ पे कितने फरियादी आए और चले भी गए। जी साहब। सर मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे थाने में जितने भी गरीब लोग अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए आते हैं क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष मौजूद है जो किसी गरीब ने यहाँ पर दिया हो? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई भी रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो आपने बताया। लेकिन इंस्पेक्टर जी कुछ कहना चाहती सर? कुछ कहना चाहती जी। इन्हें इस चीज को पता नहीं था किसकी रिपोर्ट यहाँ पर जीडी फाइल पर चढ़ी हुई है। देखिए यह क्या इंस्पेक्टर सेवा, ठाकुर गजराज सिंह जो आज भी जुल्म और सितम अपनी रियायत पे करता है, अख्तर मियां जो एक गरीब इंसान है उससे उन्हें
मारपीट और एक गरीबी से रेखा के नीचे राशन कार्ड देने से इनकार किया, जबकि प्रधान का हक होता है। इंस्पेक्टर सेवा जी, यह मामूली सी रिपोर्ट नहीं जो उसने दरखास्त बनाकर हमारे थाने में भेजा है। मैं चाहता हूं कि इस काम के लिए, इस तहकीकात के लिए तुम ठाकुर गजराज सिंह की हवेली जाओगे और डाकुओं के बारे में मैं सोच विचार थाने में करेंगे। आप जा सकती हैं। सर एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। जब तक इंस्पेक्टर सेवा तहकीकात करके ठाकुर गजराज सिंह की हवेली से वापस नहीं आती, हम लोग बैठकर कुछ गुप्त डाकुओं के बारे में मशवरा करते हैं। क्यों नहीं, चले सर। आइए। हा गोली गोली घुइया, हा गोली गोली घुइया, हा लंबी है तरैया, सब जी बनाई ले मरे माली मा, गोली गोली घुइया। घाट आया मालिक, आया मालिक, मालिक को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलो मालिक। घाट क्या बात है? देखो काफी समय से मेरा छोटा भाई दिग्विजय सिंह नहीं आया है। जी हाँ, लेकिन जब तक वो आता नहीं तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, मैं आने का इंतजार करूंगा और आप गेट पर चल के ड्यूटी दो। जैसी भाग्य मालिक, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए मालिक और हम गेट की ड्यूटी करते हैं। कौन? हम यहाँ के हैं सकरू, यानी आपको मन हो चाहिए। सर हम यहाँ के हैं, जिम्मेदार के नौकर हैं। हमारा नाम अइनहुरा प्रसाद मुसलेड़ी उरु मदुरु कक्कू। नालाय कुल्लू के पट्टे साले देखो। है ठहरिए सर, ठहरिए, अभी साहब से बात करिए। हमारे जो प्रधान जी हैं वो हवेली में तैनात बैठे हैं। ये बताओ इस समय प्रधान जी हैं घर पे? वो हवेली में तैनात बैठे हैं। यानी आपका कहने का मकसद वो अपनी चौपार में बैठे जी? चलो उनसे मिलाओ, बातचीत करो। जैसी है क्या सर? इंस्पेक्टर जेवा, तो गजराज प्रधान आप ही हो? जी हाँ। आपका काफी नाम सुना। नाम लोगों ने बहुत सुना है और काम से भी वाकिफ हैं। अच्छा, लेकिन ये बताओ ये ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में कैसे आने की हिम्मत की? ये जेवा इंस्पेक्टर, जब कभी किसी के पास कोई ना कोई साबूत लेकर के जाती है, प्रधान गजराज सिंह, तब किसी से ये जेवा इंस्पेक्टर इजाजत नहीं लेती है। इंस्पेक्टर जेवा, अरे ठाकुर गजराज सिंह की हवेली के अंदर सिर्फ आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं और यहाँ से जाने वाले के कदमों के निशान नहीं मिलते हैं। अच्छा, हम तुम्हारे हवेली के अच्छे तरीके से रास्ते जानती हूँ, किस तरीके से तुम्हारे हवेली में आया जाता है और किस तरीके से तुम्हारे हवेली से जाया जाता है। ठाकुर गजराज सिंह मेरी नसीहत को अपने कानों में दिलो दिमाग से अच्छी तरीके से आप ध्यान देकर के सुन लीजिएगा। और बंद कर धंधा सभी और मान लो मेरी बात, बंद कर Thank you.
मैदान गजराज सिंह, कानून के दायरे में रह करके अगर कोई कार्य करोगे तो तुम्हें कानून कभी परेशान नहीं करेगी। इंस्पेक्टर जेवा बोलिए। तो बांधना कर धंधा मेरा और मान ले मेरी बात। तो बांधना कर धंधा मेरा और मान ले मेरी बात, और इसके बदले में तुझे रुपया दूंगा 20,000। क्या इंस्पेक्टर जेवा बोली, अगर आप कुछ चाहिए तो आपके क्वार्टर पर भिजवा दूंगा। अच्छा, लेकिन हमारे लफड़े में मत पड़ना। यानी तुम्हारे कहने का मकसद, अगर हम तुम्हारे हमेली में आए हैं तुम्हारा धंधा बंद करने के लिए हम तुमसे कह रहे हैं, तो तुम हमें रिश्वत देना चाहते हो हमारे क्वार्टर पर आकर के? क्यों जेवा, इस जमाने में क्या नहीं चलता है? ठाकुर गजराज सिंह याद कर, ये जेवा इंस्पेक्टर किसी से रिश्वत नहीं लेती है। मैं देश का सच्चा सिपाही हूं। मैंने जिस वक्त ये वर्दी पहनी थी उसी वक्त भारत माँ की कसम खा करके कही थी मैंने अपने देश की रक्षा करूंगी। किसी से रिश्वत, किसी के साथ हम गलत अन्याय, फजूल में किसी को सताना, ये जेवा इंस्पेक्टर की आदत नहीं है। और तुमने हमसे कहा कि रिश्वत लेने की, प्रधान गजराज सिंह जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई हमारे साबुत हाथों में लग जाएगी उसी दिन तुम्हें टिकरिया गांव से घसीटते हुए थाना कोतवाली महमूदाबाद लेकर के जाएगी जेवा इंस्पेक्टर। डाकर, हाँ मालिक। दो टके की अफसर। जी मालिक। अरे आज ठाकुर गजराज सिंह के गाल पे चाटा मार कर चली गई। जी मालिक। नहीं नहीं जेवा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ मेरे छोटे भाई दिग्विजय सिंह को बुलाओ। जैसे के मालिक, दिग्विजय भैया की जय जयकारी हो। ए देखो सामने से आ रहे हैं और मालिक मुलाकात करेंगे। अरे भैया, आज क्या देखता हूँ हमारे भाई के माथे पर पसीना, आंखें सुर्ख, इस उदासी का कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया। छोटे भाई, अगर उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो, तो एक इंस्पेक्टर जेवा अरे आई नहीं थाने में मार कर गाल पर चाटा मेरे। सुनो, अरे वो गई है यहां से थाने चली, वो गई है यहां से थाने। सुनो, जल्द से जल्द उसको विजय सिंह। अरे भैया, और इंस्पेक्टर जेवा थाने तक पहुंचने न पाए, रास्ते में जा करके उसकी इज्जत लूट लो और इतनी गोलियां मारना कि साला डॉक्टर पोस्टमार्टम करने में घबरा जाए। आपके आदेश का पालन होगा। आज तक इस महमूदाबाद थाने में जितने भी ऑफिसर आए, आपके कदम को चूम करके थाने में ड्यूटी ज्वाइन किया, और आज एक लेडीज इंस्पेक्टर जिसका नाम जेवा, हमारे भाई के काल पर चाटा मार कर अच्छा नहीं किया, आप चिंता मत करो, उसकी वर्दी को फाड़ करके अगर उसे नंगा थाने तक नहीं भेजा तो मेरा नाम ठाकुर दिग्विजय सिंह नहीं। इंस्पेक्टर जेवा, अरे लोग मुझे ठाकुर गजराज सिंह कहते हैं। मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े न कराया तो मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह नहीं। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।